क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन फ्रॉम 7 टू 10 ना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर दिया है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ये आपको 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस 0.000015 अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अच्छे 15 आपका कॉमन हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 15 जब कॉमन होगा चलिए इसको पहले ले लेते हैं पावर में 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 है ना, और फिर क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 सर, यहाँ पर 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 होगा, 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 होगा, 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5.4 20 टर्म, अब तो 20 टर्म है ना। अब देखिए 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा 1 बचेगा, सेकंड टर्म क्या बचेगा 10 रेज पावर माइनस 1, थर्ड टर्म में 10 रेज पावर माइनस 2, फोर्थ टर्म में 10 रेज पावर माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तो 20 टर्म्स, ठीक है, ये चीज 20 टर्म्स तक जाएगा। तो देखिए तो सीक्वेंस इनसाइड ब्रैकेट मेक्स जीपी है ना, सीक्वेंस इनसाइड ब्रैकेट मेक्स जीपी, दिस इज कॉल्ड एज 0.15 0.15 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 1000 प्लस 1 बाय 10000 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। तो जी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 1 बाय 10 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 बाय 10 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 बाय 10 ही रहेगा, 1 बाय 10 लीजिए, ठीक है। ये 20 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा ए आर ए टू पावर 20 माइनस 1 ना, तो ये 20 कितना हो गया ए इक्वल 1 आर इक्वल 1 बाय 10 रेट पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 20 कितना हो जाएगा, ये 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 रेट पावर 1 अपॉन 10 रेट पावर कितना हो जाएगा, देखो समझना है तो सब पॉइंट करना है, ये तो एक टर्म के लिए क्वेश्चन
अपॉन 1 माइनस 1 बाय 10, ठीक है। तो एस सम कितना हो जाएगा, एस 20 सम कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 0.15 इनटू 10 रेट और 1 बाय 10। खाली एक चीज से देखना, उसके बाद नहीं देखना है, फिर से पूछिए, फिर फिर देखिए, इसलिए उसको उसे टेक अपने पास रख लीजिए। काफी देखिए अभी
Yeah, friends. इसके बाद कौन सा बताना? एट आंसर एट इसको बिठा दें इधर लेफ्ट पार्ट अभी लेट और फिर रुके रहे हैं इसके बाद आंसर एट root of 7, root of 21, 3 root 7, dot dot n dot. इसका सम निकालना है, क्या करना है सम? तो इसको क्या रहते हैं बताएं? Given sequence makes GP. Given sequence makes GP ना? इसको बताएं root of 7 plus root of 21 plus 3 root 7 और dot dot up to n dot. जैसे फर्स्ट टर्म कितना बचे फर्स्ट टर्म रूट सेवन कॉमन रेशियो क्या होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ना तो क्या हो जाएगा रूट थ्री कॉमन रेशियो कितना हो गया कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट थ्री आर इसको तो रूट थ्री है ना ठीक है अब आपको क्या करना है एक टर्म का सम लिखना तो देखिए दिस कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 यहां पर कॉमन रेशियो क्या होता एक से ज्यादा है ना जब एक से ज्यादा तो एक टर्म का सम क्या हो जाएगा बेटा जैसे इसको तो ये r इक्वल n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 है ना तो ये सेम कितना हो जाएगा ऐसे ऐसे इसको हो जाएगा ये इक्वल क्या है रूट ऑफ 7 इनटू r इक्वल माने रूट ऑफ 3 रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1 ठीक है ऐसे की वैल्यू होगी यहाँ से ऐसे ने छोड़ कितना हो जाएगा यहाँ से ऐसे ने ऐसे ने छोड़ हो जाएगा रूट ऑफ सेवन इनटू और रूट थ्री एट फोर एन माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन ठीक है ये इस फॉर्म में देने के लिए कुछ इतना चाहिए इसका आंसर देखो कॉन्जुगेट के ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये आपका थ्री माइनस वन टू हो जाएगा क्या दिया रूट सेवन ब्रैकेट ब्रैकेट रूट प्लस वन रूट प्लस वन ब्रैकेट थ्री एन बाय टू और वन अपॉन थ्री माइनस वन टू हो जाएगा थ्री माइनस वन क्या होगा ना और
by 2 1 3 n by 2 1 yes so take is ma bade re na right dekh lo ekbar main koi dusra form le lo are is ma mein answer hai answer 9 answer dekha sipa mein 9 aur 9 kya hai given sequence hai 1 minus 8 a square minus a cube dot dot n ye aapka given sequence ab क्या करना इसके एन टर्म का सम लिखना ठीक है तो एन टर्म का सम लिख लीजिए मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या वन है कॉमन रेशियो क्या है माइनस ए एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर रेड फॉर एन अपॉन वन माइनस आर ना इसे बराबर लीजिए तो एस एन इक्वल टू जाएगा वन वन माइनस माइनस a red for n upon 1 minus minus n the sn is equal to kitna ho jayega 1 minus minus a red for n upon 1 plus n the sn is equal to kitna ho jayega 1 minus minus 1 red for n into a red for n upon 1 plus n iska answer dekhiye iska answer dekho 9 ka answer dekhiye आंसर 10 आंसर 10 क्वेश्चन 10 में आंसर देखो वो होता ए अंदर जैसे ये तो है ये वाला है ये वाला फॉर्म है 1 माइनस ब्रैकेट में होने से मान से तो ये वाला फॉर्म है ये नीचे 1 प्लस से है हां हाँ बोल ठीक है चलिए इसे फॉर्म में दे ले टेन आ जाए तो टेन आपका क्या है एक्स क्यूब कॉमा एक्स फाइव कॉमा एक्स सेवन एक्स नाइन एंड सो ऑन इसके एक टर्म का सम आपको बताना ठीक है इसे फर्स्ट टर्म कितना बजे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स एट फोर फाइव वन एक्स एट फोर थ्री सो एक्स स्क्वायर ठीक है तो स्टेप से आपको फर्स्ट टर्म मिल गया कॉमन रेशियो मिल गया तो एस इन एस एन इसमें कितना हो जाएगा ए वन माइनस आर एट फोर एन अपॉन वन माइनस आर तो एस एन यहाँ से जो है एस एन इसमें क्या हो जाएगा ए एक बोल एस एट फोर थ्री इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेड फोर एन अपॉन वन माइनस एक्स तो एस एन स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यू एक्स क्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर एंसर रिपीट क्या होगा वन माइनस एक्स रेड फोर टू एन देखिए कितना दे रहा आंसर पढ़िए आंसर आंसर देखो तो एस के लिए हो जाएगा माइनस टू एन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आंसर देखा एक्स थ्री एक्स क्यूब ये ब्रैकेट में वन माइनस एक्स टू एन हाँ ये पान हाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर हाँ ये एक्स तुम पढ़ो तेरे से कॉपी कर दे इस टाइप से आपको कितने क्वेश्चन इसमें और ऐसे मैं ऐसे से कितने क्वेश्चन लेते हैं चलो सिंपल